दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपचैट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं। अगर आपने स्नैपचैट कभी भी यूज़ नहीं किया दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सेल्फी कैमरे बहुत है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कैमरे है वो बदल बदल के आता है, तो आपको सेल्फी लेने में भी मज़ा आएगा। तो बने रहे वीडियो पर अंत तक। आज मैं आपको स्नैपचैट कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ बताऊंगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं भोजन वर्मा, आप देख रहे हो ऑफिशियल वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है स्नैपचैट, और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करके दोस्तों आप अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आपको अकाउंट बनाने नहीं आता तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, आप वो वीडियो देखकर आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आप स्नैपचैट ओपन करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्फी कैमरे दिए हुए हैं दोस्तों। अब जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे देखिए आपका फ्रेम बदलते जाएगा, ये कोई भी फ्रेम यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बार स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद ये देखिए दोस्तों गॉगल आ गया। उसके बाद फिर से करेंगे तो ये देखिए, उसके बाद फिर से करेंगे तो ये आप देख सकते हैं लड़की बन गए। उसके बाद में देखिए आपको दाढ़ी मूछ गॉगल ये सब आ गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सेल्फी है दोस्तों। यहाँ पे सेल्फी आप अलग अलग ले सकते हैं और ये रोज़ चेंज होते रहते हैं, और आप अच्छे अच्छे सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप रील्स वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर देखते हैं। यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा रील्स वीडियो चालू हो गया। देखिए अलग अलग रील्स वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे बीच में, और यहाँ से आप फ्रेंड्स भी बना सकते हैं दोस्तों। जो आपके फ्रेंड स्टोरी डालेंगे वो सब आएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने स्टोरी। उसके बाद यहाँ पर मैसेज, तो आप किसी से बात करना चाहते हैं यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। देखिए चैट लिखा है, आप किसी एक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आखिरी में लोकेशन दिया हुआ है दोस्तों, ये लोकेशन को भी आप ऑफ कर सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है और आपको अपना प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में प्रोफाइल है और ये आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है। आप यहाँ से कुछ भी सेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मजेदार दोस्तों मुझे यही लगता है, देखिए कैमरे जो है अपना पोस्टर बदलते रहते हैं, कभी लड़की का आ जाता है, कभी गॉगल टोपी। उसके बाद में यहाँ रील्स वीडियो भी अलग अलग आते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही फेमस रील्स आते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप का मजा ले सकते हैं। और आप इसमें स्टोरी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों अपना स्टोरी डाल सकते हैं। देखिए प्लस के आइकॉन में क्लिक करके आप अपना भी स्टोरी लगा सकते हैं। और अगर आप इस पर किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऐड पर क्लिक करते जाएंगे दोस्तों आपके फ्रेंड बनेंगे। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया, ये फ्रेंड बन गया। फिर से ऐड पर क्लिक करूंगा, ये भी फ्रेंड बन जाएगा। ठीक इसी तरह से आप फ्रेंड भी बना सकते हैं और आप इसमें रील्स वीडियो भी डाल सकते हैं। देखिए प्लस का आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको साउंड, डायरेक्ट मोड, सेल्फी सेटिंग, टोन ये सब मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा बैक कैमरा ओपन हो गया। कि नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, वीडियो बनाएंगे तो लाइट आ जाएंगे दोस्तों, फोटो लेंगे वीडियो लेंगे। उसके नीचे में देखिए वीडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप रील्स वीडियो शूट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे में दिया है साउंड, तो यहाँ से आप साउंड भी ले सकते हैं। और सबसे नीचे में स्कैन दिया हुआ है, तो ये देखिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्नैपचैट कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।